हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के लिए जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशंस। इस वीडियो में हम यही करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल यानी कि बेसिक थ्योरम है, अर्थमेटिक यानी कि नंबर्स के लिए। अर्थमेटिक रिलेटेड टू नंबर्स होता है, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिविजन, ठीक है। तो उसकी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या स्टेट करती है, जैसे कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एवरी कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे जो डिवाइड होंगे या तो वन से या खुद से इटसेल्फ और किसी एक और नंबर से, कोई भी हो सकता है। जैसे फोर है, फोर वन से भी होता है, वन भी उसका फैक्टर है, फोर भी उसका फैक्टर है और टू भी उसका फैक्टर है। वन से तो होंगे ही, खुद से भी होंगे और कोई ना कोई फैक्टर और भी होंगे, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, कंपोजिट। देन एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब क्या है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। जैसे कि टू है, थ्री है, और टू एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है और इवन, इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर इज टू, ठीक है। तो हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइज किया जा सकता है किसी में, और जो ये फैक्टराइजेशन आएगी एंड इट्स फैक्टर, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन जो आएगी ये यूनिक होगी, यूनिक का मतलब है एक बार जो फैक्टराइजेशन आगी उससे कोई अलग, दूसरी तीसरी चौथी ऐसे कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, जो एक बार फैक्टराइजेशन आगी वही रहेगी उसकी। ऐसा नहीं है कि एक बार फैक्टराइज किया तो कोई दूसरी टाइप से आई और दूसरी बार किया तो अलग टाइप आ गई, अलग प्राइम नंबर्स आ गए। जो एक बार फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स आ गए वही रहेंगे। और एक्सेप्टेशन क्या है कि इसमें जो उनका ऑर्डर है वो फिक्स नहीं रहेगा, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लेना, ठीक है, 100, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, टू, ठीक है, और फिर आएगा टू और फिर फाइव, फिर फाइव और फिर फाइव, ठीक है, दो फाइव, टू फाइव आएंगे और टू टू आएंगे, तो इनकी पावर क्या बनी, टू की पावर टू और फाइव की पावर टू। तो इसका नंबर यही रहेंगे, दो टू आएंगे और टू फाइव आएंगे, यानी कि टू पे टू की फाइव की पावर टू और टू की पावर टू ही आएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इससे चेंज नहीं हो सकती। मगर ऑर्डर क्या रहेगा, फाइव की पावर टू इंटू टू की पावर टू लिख सकते हैं, ऑर्डर तो वही है, नंबर वही है, ऑर्डर चेंज हुआ है बस, ठीक है, टू इंटू फाइव और इंटू टू इंटू फाइव ये लिख सकते हैं, एक दो आ जाए, फिर एक पांच आ जाए, फिर दो आ जाए, फिर पांच आ जाए। यानी कि जो फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स आए हैं वो तो वही रहेंगे मगर उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या बनी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स अकरिंग इन दिस फैक्टराइजेशन, ठीक है। और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखो जैसे ये वाला हम करते हैं नॉर्मल, ठीक है, पहले सबसे पहला प्राइम नंबर से चेक करेंगे, टू से हो रहा है 50 पे, फिर टू से हो रहा है 25 पे, थ्री से नहीं जा रहा तो नेक्स्ट है 5, 5 से 5 पे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। अब इन्हीं टाइप से हम क्वेश्चन करें, जैसे अब आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 1.2 का, इफ वी टेक एनी नंबर फोर पावर एन, ठीक है, तो हमको बताना है इज देयर एनी वैल्यू ऑफ एन फॉर विच फोर टू पावर एन एंड्स विद अ जीरो, ठीक है, एन की कोई ऐसी वैल्यू बतानी है जिस पे फोर की पावर एन, फोर टू पावर एन है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो जीरो आ जाए यूनिट प्लेस पे, यानी कि यूनिट प्लेस पे जीरो आ जाए। अब क्या लिखेंगे, फॉर दिस so that 4 to power n ends with 0, it must contain 5 as its factor, ठीक है, if it has unit place 0 then it is divisible बाय 5, ठीक है। तो इसका मतलब 4 की पावर n एंड्स करेगी 0 के साथ, तो इसमें कोई ना कोई 5 एज ए फैक्टर होगा या फिर डिविजिबल बाय 501% होगा, ठीक है। अब
हम चेक करते हैं कि इसके फैक्टराइजेशन में कौन कौन है। देखो फोर के क्या लिख सकते हैं, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू की पावर टू और होल की पावर एन। अब ये क्या था, ए की पावर एन की पावर एम, ए की पावर एन इंटू एम, तो ये क्या होगी, दिस इंप्लाइज ये हो गया टू की पावर टू एन, दोनों की मल्टीप्लाई होगी पावर्स। अब टू के अलावा कोई फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, देयर इज नो फैक्टर एज फाइव, फाइव के जैसा कोई फैक्टर है ही नहीं इसमें, देयरफॉर इट विल नेवर एंड्स, देयरफॉर इट विल नेवर एंड्स विद जीरो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि जो इनकी फैक्टराइजेशन हुई है वो यूनिक हुई है, अब इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, टू की पावर टू एन इज यूनिक, फोर की पावर एन, देयरफॉर इट डज नॉट कंटेन एनी यूनिट प्लेस, इट डज नॉट कंटेन जीरो एट इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट फॉर 1.2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास दे रखा है, वी हैव टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 एंड 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसकी तो क्या नंबर लेंगे, गिवन क्या है, गिवन है 6 एंड 20, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 3, ठीक है, 3 1, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 1 3 की पावर, ठीक है। अब 20 की देखते, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई हमारे पास, 2 10 पे गया 2 5 पे, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 20 की क्या आई, 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब हमको निकालना है HCF, सबसे पहले क्या निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट एक तो फैक्टर हो, इसके फैक्टर क्या है 2 और 3, इसके 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, और कॉमन क्या है इन दोनों में, 2 ही है, ठीक है, और हाईएस्ट यानी कि पावर हाईएस्ट होनी चाहिए, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में हाईएस्ट, इसमें 2 की पावर 1, इसके 2 की पावर 2, कॉमन क्या है 2 की पावर 1, ठीक है, तो HCF क्या आ गया इसका, 2 की पावर 1, ठीक है। जैसे कि देखो ये लिखें, 6 का क्या आ गया 2 इंटू 3, इसका क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो कॉमन क्या आया इसमें, सिर्फ 2 आया, ठीक है, 2 सिर्फ कॉमन है, तो 2 की पावर 1 क्या हो गया, HCF यानी कि क्या आ गया 2। अब LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके मल्टीपल कितने, देखो 2 की पावर 2 है, ठीक है, 2 की पावर 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्यों नहीं लिया है? ये पहले आ चुका, इसी में कंबाइन हो गया, ठीक है, कॉमन मल्टीपल क्या है, 4 है ना, ये 2 इसके अंदर आ गया, क्या आएगी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3, ये क्या आ गया इसका LCM, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, ये क्या आ गया इसका LCM। अब यहां से हमने क्या देखा कि दो नंबर हैं HCF और उनका LCM मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कैसे, देखो LCM क्या है 2, सॉरी HCF क्या है 2, LCM क्या है 60, और दो नंबर कौन कौन से, 6 एंड 20, ये आया 120, ये भी कितना आया 120, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, हमारे में 2 नंबर का ही है इसमें 10th क्लास में, 3 नंबर्स के लिए हम नेक्स्ट देख लेंगे और फ्रैक्शन के लिए हम 6th 7th में करके रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है, ये यूज में आएगा। जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 एंड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन से सिर्फ निकालने के बाद हमको फाइंड करना है LCM, वो हम उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 96 की, 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 किस पे गया 4 और 8, फिर 2 पे, ठीक है, 2 4, फिर 2 पे ये गया 12, फिर 2 पे 6, फिर 2 पे 3, ठीक है, क्या है 2 पे गया 48,
फिर 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3, ये आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 96 की क्या है इसका मतलब, हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स और इंटू 3 1 टाइम, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। अब निकालनी है किसकी, 404 की। सबसे पहले 2 पे जाए, क्या है 202, फिर 2 पे गया 101। अब 101 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर, यानी कि इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा, सीधा 1 ही होगा या फिर ये खुद होगा। तो 404 की क्या आई हमारे पास, 404 की आई 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमको निकालना है HCF, यानी कि जिनकी लोएस्ट पावर है, कॉमन है एक तो और एक उनकी लोएस्ट पावर लेनी है। तो HCF क्या आया, ऑफ 96 एंड 404 आया हमारे पास, 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है, और उसकी पावर लोएस्ट लेनी है, लोएस्ट है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लोएस्ट लिया, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो HCF क्या आ गया 94 का HCF आ गया 4। अब हमको LCM निकालना है, देखो LCM के लिए क्या था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, उन नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर। HCF हमको पता है क्या है, 4, LCM हमको निकालना है और इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 96 इंटू 404, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, LCM क्या आ गया 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4, ये यहां कैंसल आउट होके 100 बना गया, तो कितना आ गया ये 96 इंटू 101, तो ये आ गया 96, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा LCM। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, लास्ट एग्जांपल है 1.2 के लिए, वो करते हैं फिर। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम, 6 की क्या आएगी हमारे पास, सीधा लिखते हैं 6 की क्या आएगी, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3, ठीक है। 72 की क्या आएगी, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 9, और 3 इंटू 3 9 हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 8 और 9 8 जा 72। अब 120 की करेंगे क्या आएगी, 2 पे 60, 2 पे 30, 2 पे 15, 3 पे और 5, ठीक है। अब हमको निकालना है HCF, HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर निकाल लो, एक तो क्या है 2 है यहां पे, ठीक है, एक क्या है 3 है, ठीक है, तो क्या आ गया 2 इंटू 3, HCF कितना आ गया 6। अब देखो वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो किस कितने नंबर के लिए, दो नंबर के लिए, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू बी, ये तीन नंबर, थ्री नंबर के लिए वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो हम बाद में बताएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अलग से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे LCM, तो हाईएस्ट इसकी पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, तो 72 इंटू 5, तो कितना आ गया कैरी 1, LCM क्या आया 360, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स 1.2 के लिए, और एक थ्योरम थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 फुल सॉल्यूशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोस एंड वांट मोर वीडियोस।